अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो वीडियो है आंसर टू दो थ्री क्वेश्चंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। तो वो जो थ्री क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तब पता चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन तो वही होगा जो अभी मेरी लास्ट वीडियो में मेरे भी माइंड में आया था कि मतलब कुरान में ऐसा क्यों लिखा गया है कि यहाँ पर भी मुशरिकों को देखो और उनको कत्ल कर दो। क्योंकि ये एक छोटी सी लाइन थी जो मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लगी, और बाद में मैंने अपनी वीडियो के आगे ये भी बोला था कि इसका एक्चुअल मैसेज जरूर कुछ ना कुछ और होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी होली बुक कुछ भी ऐसा गलत किसी इंसान को नहीं सिखा सकती, और सेम चीज़ मेरे दिल में कुरान के लिए भी सेम फीलिंग है। तो इसीलिए, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स भी किए और मुझे ब्रीफ किया कि उसका एक्चुअल मैसेज क्या है उस पर्टिकुलर लाइन का। बट एक आधा बंदा होता है ना कई बार कि किसी को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया हमारे उसके बारे में। तो ये नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मतलब कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदा कैसे हमारे दीन के बारे में या किसी के बारे में ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। नहीं, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको एक्सप्लेन करो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्योंकि ये किसी के भी मन में ये डाउट आना लाजमी है, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये है इंडियन मुस्लिम चैनल से। तो ये है गैर मुस्लिमों के उन तीन सवालों के जवाब, सो आंसर टू दो थ्री क्वेश्चंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके माइंड में जो थ्री क्वेश्चंस आते हैं उसका इसमें आंसर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली उनको भी पता है कि ये जो डाउट्स हैं कोई भी जो नॉन मुस्लिम इंसान होगा उसके मन में आने जायज़ हैं, क्योंकि वो अगर सुनेगा पहली बार और किसी ने उसको ब्रीफ नहीं किया तो वो बाकी ये डाउट्स तो आना ही आना है किसी के माइंड में। तो इसीलिए उन्होंने ये वीडियो भी बनाया है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछ के कोई गलती नहीं की, क्योंकि मेरे माइंड में डाउट आया, मैंने पूछ लिया। बट मैंने अपने कॉमेंट्स में पढ़ा था कि एक दो बंदे ऐसे हैं जिनको शायद बहुत ही बुरा लग गया था, एंड दे स्टार्टेड सेइंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसे डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर कि मैंने कुछ गलत बोला था, क्योंकि मैंने गलत तो 100% नहीं बोला था। इसीलिए बाकी सब मेरे सब्सक्राइबर्स के अगर मैं बात करूँ तो 99% ऑलमोस्ट हैं जिनके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए, और सब ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो उस टाइप के लोग होते हैं जो समझते हैं कि वाकई क्या चीज़ है और कहाँ पे बंदे को डाउट आ रहा है, और इट्स योर ड्यूटी, या बोल दोगे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सामने वाले बंदे को वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ताकि उनके डाउट दूर हो जाए। तो मैं आज इस वीडियो को देखती हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है, और उस एक डाउट का जो मेरे माइंड में आया था उसका भी जिक्र है या नहीं, और उसके अलावा बाकी और कौन सी दो डाउट हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए मेरे साथ देखिए इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم। 90% हिंदुओं के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहां भी कुरान में काफिर शब्द आया है वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है, और कुरान काफिरों को कत्ल करने के लिए कहता है। पता है दोस्तों हिंदू ऐसा क्यों सोचते हैं? कुरान की एक आयत की वजह से। कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर डालो। इस आयत की वजह से भारत का हिंदू ये सोचता है कि देखो कुरान तो साफ साफ काफिरों यानी हिंदुओं को मारने का आदेश दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है, इसीलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों इस आयत का क्लेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद क्या होता है। दुनिया के लगभग 90% गैर मुसलमानों की ये सोच है कि जिहाद वो होता है जिसमें मुसलमान कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बॉम्ब फोड़े और उससे लोग मर जाएं, ये जिहाद होता है और इससे मुसलमानों को जन्नत मिलती है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करना, संघर्ष करना या स्ट्रगल करना। जिहाद दो प्रकार का होता है, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। कुरान और हदीसों में जिहाद अकबर उसे कहा गया है जिसमें कोई इंसान अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष करता है,
जैसे शराब पीना हर समाज धर्म में बुरा माना जाता है। अब मान लीजिए मुझे शराब पीने की बहुत बुरी लत है, मगर मैं अब शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी शराब पीने की इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए संघर्ष करता हूँ तो इसे जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा जाता है। दूसरा जिहाद असगर, इसका मतलब होता है समाज में फैली बुराइयों को रोकना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोग बेटी के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटी पैदा करना नहीं चाहते। आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो अब अगर आप इस सामाजिक बुराई को अपने मोहल्ले से खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं तो इसे जिहाद असगर कहते हैं, यानी छोटा जिहाद। खुद की बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो समाज से सामाजिक बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इंसान की खुद की बुराइयों को मिटाना बड़ा जिहाद है। मगर दोस्तों, मीडिया ने जिहाद शब्द को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुसलमान तो दूर की बात, खुद मुसलमान भी आज ये समझता है कि काफिरों को मारना ही जिहाद है। चलिए अब आते हैं उस आयत पर जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई, सूरह तौबा की आयत नंबर 5। चलिए मैं आपको ये आयत कुरान में लाइव दिखाता हूँ। ये है हिंदी भाषा में कुरान, अरबी या उर्दू में दिखाता तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आता। ये कुरान के 114 चैप्टर्स हैं। हमारा पॉइंट है सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये है सूरह तौबा। हम आयत नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में कुरान में काफिरों को मारने के लिए कहा गया है। ये आयत नंबर 1, ये आयत नंबर 2, ये आयत नंबर 3, ये आयत नंबर 4 और ये रही आयत नंबर 5। हम आयत नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। और जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह तौबा करें और नमाज पढ़ने लगें और जकात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो मैंने आयत नंबर 5 पढ़ दी। पता चला कि सच में कुरान की इस आयत में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सूरह तौबा में सिर्फ ये आयत नंबर 5 ही थोड़ी है, इससे पहले भी 4 आयतें हैं और इसके बाद भी कई आयतें हैं। इन आयतों को भी तो पढ़ के देखना चाहिए ताकि पता तो चले कि बात किस विषय पर चल रही है। चलिए आयत 1 से पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 1। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुमने अमन के वादे किए यानी शांति का समझौता किया था, अल्लाह और उसके रसूल उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनसे बेजार हैं यानी उनसे फ्री हैं। बस उनसे कह दो कि 4 महीनों तक मक्का की जमीन पर चल फिर लो, फिर इसके बाद कूच। और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजीज नहीं कर सकते और अल्लाह को काफिरों को रुसवा करना मंजूर है। आयत नंबर 3। और हज्जे अकबर के रोज अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम लोगों को ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है, और अगर तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़ते रहोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को अहकाम नियम कानून लागू करने से आजीज नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। और तू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। ये आयत नंबर 4। ये आयत ध्यान से सुनना। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने कौल करार किया यानी शांति समझौता किया और उन्होंने यानी काफिरों ने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, यानी काफिरों और मुसलमानों के बीच जो शांति समझौता हुआ तो उसमें काफिरों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और ना ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दूसरे गिरोह की सहायता की, तब अल्लाह ताला मुसलमानों से यहाँ कहता है तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो, यानी जब तक वो समझौता हुआ है, जितने समय तक वो समझौता हुआ है तुम भी उस समय तक उनसे वो समझौता कायम रखो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो, यानी समझौता नहीं तोड़ना, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। तो दोस्तों, मैंने आयत 5 से पहले की 4 आयतें पढ़ी।
जिनको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए देखते हैं कि इस समझौते की हिस्ट्री क्या है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती और ये सूरह क्यों अल्लाह ने नाजिल की। हमारा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। मक्का के काफिरों ने अंतिम मुहायदा यानी जो शांति का समझौता हुआ था सुलह हुदैबिया भी तोड़ा था। उसमें ये तय पाया गया था कि एक तरफ मुसलमान और उनके सहयोगी कबीले होंगे और दूसरी ओर कुरैश। ये कुरैश काफिर थे और कुरैश और उनके सहयोगी मुसलमानों के साथ कबीला खुजाआ शामिल होगा और कुरैश यानी काफिरों के साथ कबीला बनू बिक्र। सुलह की यानी समझौते की बुनियादी शर्त यह थी कि 10 वर्षों तक दोनों फरीक दोनों पार्टियां इस समझौते पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी। लेकिन अभी 2 वर्ष ही का समय बीता था कि बनू बिक्र ने कबीला खुजाआ यानी बनू बिक्र कौन था, काफिरों के साथ वाला कबीला, जिसने कबीला खुजाआ यानी मुसलमानों के साथ वाले कबीले पर हमला बोल दिया और कुरैश ने यानी काफिरों ने भी उनका साथ दिया। बनू खुजाआ ने भाग कर काबा में जान बचाई मगर वहां भी उन्हें कत्ल किया गया। केवल 40 आदमियों ने किसी तरह जान बचाई और मदीना पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना पहुंचाई। कबीला बिक्र का कबीला खुजाआ पर आक्रमण करना और कुरैश का उनका साथ देना यह मुहायदे यानी शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फर्ज यह कर्तव्य बनता था कि इस उल्लंघन को बर्दाश्त न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10,000 सहाबाओं को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी यानी जंग के लिए तैयार हो गए और छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर बिना किसी जंग के मक्का फतेह हो गया। तो दोस्तों इन 4 आयतों और इसकी हिस्ट्री से हमें ये मालूम होता है कि मुसलमानों और काफिरों के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो कि 10 साल का था, मगर 2 साल में ही काफिरों ने उस शांति समझौते का उल्लंघन किया जिसकी वजह से मुसलमानों ने उनको सबक सिखाना चाहा, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सैनिकों को उन काफिरों को सबक सिखाने के लिए भेजा। अब यहाँ पर जब जंग का माहौल हुआ, जंग का मैदान आया, तब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में फरमाता है कि जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो, यानी जंग के मैदान पे आप दुश्मनों को जब पाओ तो वहां उनको कत्ल करो ताकि दुनिया में अमन व शांति का माहौल हो, और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह शरारत से तौबा करें यानी माफी मांग ले और नमाज पढ़ने लगे और जकात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब काफिरों के लिए यहाँ एक रास्ता है कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, तब तो मुसलमान उन्हें छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ ये मत सोच लेना कि काफिरों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाएगा फिर उन्हें छोड़ा जाएगा, नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो इस्लाम कबूल करके भी जंग से अलग हो सकते हैं और अगर सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो भी जंग से अलग हो सकते हैं। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला कहता है कि दीन यानी इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी ताकत और बल के प्रयोग से आप किसी को मुसलमान ना बनाओ। एक तो रास्ता ये है और दूसरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बताया जो कि आगे आयत नंबर 6 में है। लिखा है कि और अगर कोई मुशरिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन यानी शांति मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वह मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने और फिर जब वह जाना चाहे तो अमन की जगह पर उसको पहुंचा दिया करो। यहाँ अल्लाह ताला सीधे सीधे फरमा रहा है कि अगर जंग हो रही है और कोई दुश्मन काफिर तुमसे ये कहे कि भाई मुझे आपका कुरान सुनना है, मुझे जानना है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि उसको कुरान सुनाए, और जब वो काफिर ये कह दे कि ठीक है भाई मैंने कुरान सुन लिया अब मैं जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि मुसलमान उसे ये कह दें कि ठीक है भाई जाओ अपने घर, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया बल्कि तुम खुद जाकर उसके सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आओ।
दुनिया की किसी जंग में किसी युद्ध में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों अब यहाँ साफ हो रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह आम गैर मुसलमानों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ तो जंग का माहौल है। जंग के मैदान में अल्लाह ताला कहता है कि दुश्मनों को मारो। मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर गोलाबारी करे, उनको मारे, तो क्या भारत के सैनिक मिठाई का डब्बा लेकर पाकिस्तान के सैनिकों को पप्पियां झप्पियां करेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सैनिक हिम्मत और जोश के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब इस चीज को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल किया, इसलिए भारत एक आतंकवादी देश है, क्या दुनिया के देश ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो अपने दुश्मन को मारना ही होता है। दोस्तों यही इस आयत में कहा जा रहा है कि युद्ध में तुम अपने दुश्मनों को घात लगा कर मारो। दोस्तों इसी तरह कुरान में काफिरों को मारने से रिलेटेड कई आयतें तो हैं, मगर वो आयतें जंग के मैदान में दुश्मन को मारने से रिलेटेड हैं। दोस्तों जिस प्रकार महाभारत में युद्ध की बातें की गई हैं, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार कुरान में भी युद्ध के जंगों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच था, और कुरान में जो जंग या जो युद्ध बताया गया है वो भी अच्छाई और बुराई के बीच है। एक आम नागरिक जो मुसलमान नहीं है उसको बिना वजह मारने का कुरान में कहीं नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखा दे कि कुरान में एक आम मासूम इंसान को बिना वजह मारने को कहा गया है। कुरान में तो लिखा है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। अब मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि आप इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी गलत फहमी में दब गए हैं। आप जब तक खुद कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, नफरत फैलाने वाले संगठन आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाइए, एक हिंदी वाली कुरान खरीदिए और पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो अपने मुस्लिम दोस्त से या पास की किसी मस्जिद के किसी मौलाना से संपर्क करिए। जब तक यूट्यूब की वीडियोज को, जो खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाई जाती है, उनको देखते रहेंगे तो कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अक्सर हिंदुओं को लगता है कि कुरान काफिरों को मारने का हुक्म देता है, और काफिर का मतलब हिंदू लोग होते हैं। चलिए देखते हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला, मना करने वाला, झुठला देने वाला। इस्लाम के नजरिए से काफिर वो व्यक्ति होगा जो इस्लाम की सत्यता का इनकार कर दे, यानी वो ये कह दे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो हम उसे अरबी भाषा में काफिर कहेंगे। इसी को हिंदी में ए मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, उर्दू में गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, और अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, ये सब कहेंगे। यानी सीधे लफ्जों में जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसे अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है। अब चूंकि कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर शब्द से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में देखें, या तो कोई व्यक्ति हिंदू होगा या नहीं होगा। अब जो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा उसको नास्तिक, अधर्मी, दस्यु, मलिच्छ, उर्दू में गैर हिंदू, इंग्लिश में नॉन हिंदू, इन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि इसे गाली बनाया गया है मीडिया के द्वारा। सबको पता है आज भारत में क्या चल रहा है। हिंदू भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मीडिया और नफरत फैलाने वाले संगठनों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
मुझे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया इस वीडियो के थ्रू, ऑल्दो कि आप लोगों के जो कमेंट आए थे उससे भी मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई थी कि उस टाइम पे एक अलायंस हुआ था बनु बिक्र बनु ख्वाजा ये जो कबीले थे वहाँ उनके बीच में, कि वो लोग 10 ईयर के लिए हुआ था कि वो लोग इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे नहीं और एक अमन शांति बना के रखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो बनु बिक्र बिक्री वाले था उन लोगों ने 2 साल के बाद में ही वो अलायंस को तोड़ दिया, वो जो एग्रीमेंट था, और उसके बाद में उन लोगों ने वही सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे एक उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी जो कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपरविज़न में ही हुआ था। लेकिन उस टाइम पे बिकॉज उन लोगों ने एक तो गलती की थी कि उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा था, उसके बाद में भी वो लोग मतलब शर्मिंदा नहीं थे उस बात के ऊपर कि हम लोगों ने जो भी हमारा एक अलायंस हुआ था दोनों टीम के बीच में उन्होंने तोड़ दिया। तो इसीलिए उन्हें बोला क्या है कि उनका कत्ल कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी हमारे ही अगर किसी के साथ में डिसएग्रीमेंट है तो हम लोगों का मन करता है कि यार क्या है इसका कुछ ऐसा नुकसान कर दे समथिंग, ऑब्वियसली हम लोग कत्ल वगैरह तो नहीं सोचते क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम किसी को भी मारेंगे तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ही नहीं करते। बट उस टाइम पे ये वाला तो कोई सीन था ही नहीं पुलिस वगैरह वाला, तो उन्होंने बोला है कि आप काफिरों को यहाँ देखो उनका कत्ल कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन किसी के साथ में कोई फाइट करता है कुछ ऐसा होता है तो फिर हमेशा इंसान यही सोचता है। तो ये मुझे बहुत क्लियर हो गया है अब, तो इसीलिए और इसमें ये जो मेरा सेकंड भी पॉइंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था जिहाद वाला, कि इवन कई मुस्लिम लोगों को कुछ लोग मिसगाइड करके जिहाद का कुछ और ट्रांसलेशन बताते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। तो जिहाद का मैं खुद यही मीनिंग समझती थी कि जिहाद का मीनिंग है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई करते हो, अपने हक की लड़ाई, और अगर कोई आपके राइट्स के अगेंस्ट कुछ करता है तो आप उसके लिए लड़ सकते हो। बट इसमें इस वीडियो में मुझे पता चला कि जिहाद का भी आगे फर्दर दो बाइफिकेशन किया हुआ है उन्होंने, कि एक जिहाद अकबर और जिहाद असगर। अकबर जिसमें आप खुद से फाइट करते हो, खुद से स्ट्रगल करते हो कि मुझे ये बुराइयां नहीं करनी, जो कि हम लोगों ने पहले वाली सुराह में भी सुना हुआ है कि जो अल्लाह है उनका यही मैसेज है कि आप किसी का हक नहीं मारो, हराम का नहीं खाना, और आपको जो बताया गया है कि फूड कैसे खाना है उसको प्रॉपरली उसी तरीके से खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको हलाल का खाना है तो आप हराम का नहीं खा सकते, क्योंकि वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा आप किसी का पैसा नहीं मार सकते, क्योंकि किसी का किसी से इंटरेस्ट लेना भी इस्लाम में मना है, कि आप किसी का पैसा से मीन्स अपना पैसा अगर किसी को देते हो तो इंटरेस्ट उससे गेन नहीं कर सकते। तो ये है, तो ये सब चीज़ें हैं कि वो आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है, कि क्योंकि हर किसी के मन में वो चीज़ आती है ना कि अगर हम पैसा दे रहे थे इंटरेस्ट ले, अगर मैंने किसी को 10 लाख रुपया दिया और मुझे 3 या 4% इंटरेस्ट पर मंथ आ रहा है तो कौन चाहेगा कि ना मिले, तो हर बंदा चाहता है कि नहीं मैं इंटरेस्ट ले ही लूँ इससे। तो इसीलिए बट इस्लाम में बहुत ही क्लियरली कुरान में ये चीज़ मेंशन की गई है कि नहीं, आपको किसी का ऐसे इंटरेस्ट वाला पैसा नहीं खाना है। उसके अलावा किसी का बुरा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं मारना, और ड्रिंक तो नहीं करना। और ये तो मैं खुद भी अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम मैंने अपनी लाइफ में जो देखे होंगे 99% मुस्लिम तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। बिकॉज अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए तो बाकी रिलीजन्स में भी मना ही किया जाता है, कोई रिलीजन है जो बोलता है कि अल्कोहल कंज्यूम करो, बट लोग फिर भी 99% लोग कंज्यूम करते ही हैं, 99 अगर नहीं बोलेंगे तो 90% लगा लो कि 90% लोग कंज्यूम करते हैं, बट इस्लाम में 99% लोग मैंने देखा है कि नहीं करते। मतलब मेरे जो नॉन टू में रहे हैं वो उसमें से तो यही रेशो था 99.1 का कि वो लोग नहीं करते थे। तो और ये है कि जिसमें आप खुद से स्ट्रगल करते हो जिहाद, वो है कि आप अपने आप से ही जिहाद कर रहे हो। सेकंड जो जिहाद है वो कि आप सोसाइटी से स्ट्रगल करते हो, सोसाइटी में जो भी ऐसी बुराइयां फैली हुई हैं उनको रिमूव करने के लिए आप लड़ते हो, कि आपको इस सोसाइटी को अच्छा बनाना है ताकि हर इंसान यहाँ पे अच्छे से रह सके। तो ये दो मतलब होते हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, इस वीडियो में भी मेंशन किया गया है कि इवन कई मुस्लिम्स भी जिहाद का गलत मतलब लेते हैं। ऑब्वियसली हिंदूज ने, नॉन मुस्लिम्स ने, तो उसका गलत मतलब निकालना ही निकालना है। इवन कई मुस्लिम्स भी हैं जो जिहाद का एग्जैक्ट एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते और वो जिहाद को वही सोचते हैं जो कि
नॉन मुस्लिम लोग सोचते हैं। और इसके अलावा काफिरों को जहाँ भी देखो कत्ल कर दो, ये सिर्फ मेरा अकेले का डाउट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत नॉन मुस्लिम लोग हैं जिनके मन में ये डाउट आया है। इसीलिए इंडियन मुस्लिम चैनल ने ये वीडियो भी बनाया है जिसपे उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड जानकारी दी है कि ये सब है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इंसान जो सोचेगा सुनेगा वही सोचेगा ना कि किसको पता है कि ये जो लाइन है वो इट इज कनेक्टेड टू सम वॉर या कुछ उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी उसके कनेक्शन में ये लाइन बोली गई है। जब तक इंसान को पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी वो तो यही सोचेंगे। तो सेम चीज डोंट फील कि मेरे माइंड में ये डाउट क्यों आया था, ये सबके माइंड में डाउट आता है। तो बट आई रियली अप्रिशिएट, आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट यू पीपल बिकॉज आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट करके मुझे बताए थे, एक्सेप्ट वन पर्सन जो शायद बहुत ही ज़्यादा, शायद नहीं मतलब वो ऑब्वियसली बहुत ही ऑफेंसिव हो गए थे मेरी वर्डिंग सुन के। उन्होंने बहुत कुछ ब्ला 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 लिखा भी है, उनका कमेंट नीचे ही है, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। तो आई डोंट नो कि वो क्यों इतना अपसेट हो गए थे, और उनके मैंने पहले भी काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें वो कभी तो ही इज़ वेरी नाइस, ही राइट्स वेरी नाइस कमेंट्स, और समटाइम्स ही बिकम्स वेरी रूड। तो ठीक है, ऐसे भी होता है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम कुरान सुन रहा है या उसने कुरान भी नहीं सुन रहा, फॉर एग्जांपल कि उसने कहीं से रैंडमली ऐसा सुन लिया कि किसी बंदे ने उसको बताया कि यार कुरान में तो ये लाइन लिखी गई है, और वो बंदा अगर आपसे आकर पूछता है या डिस्कस करता है तो आपको एकदम से अग्रेसिव होने की या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि कुरान में ये चीज़ लिखी है, बट इट हैज़ सम अदर मैसेज। वो डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि यहाँ भी काफिरों को देखो जाके कत्ल कर दो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी मुस्लिम है वो देखेंगे अच्छा मेरे सामने वाले घर में तो कोई नॉन मुस्लिम है चलो आज रात को जाके उसको कत्ल कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो रादर देन गेटिंग अपसेट या उस बंदे पे चिल्लाना या कुछ करने से अच्छा है कि आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि भैया ये ऐसा नहीं है, इसका एक्चुअल मैसेज ऐसा है। अदरवाइज वो ही जो हो रहा है कि मतलब कोई भी जो पॉलिटिशियंस कह दो या मीडिया कह दो, एक कोई भी वर्ड पिक कर लेते हैं उसके बाद में उसका अपना ही मीनिंग निकाल के पूरी दुनिया को बताते रहते हैं, जैसे कि काफिर और काफिर 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 काफिर, सब लोगों ने काफिर को एक ऐसे टेरर फैला रखा है ना काफिर वर्ड से, जैसे कि पता नहीं काफिर क्या है। लेकिन काफिर का इस वीडियो से हमें पता चला कि एग्जैक्ट मीनिंग कुछ ऐसा गलत नहीं है। जैसे हिंदी में हम लोग हिंदी में नॉन गैर मुस्लिम बोल देते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन मुस्लिम, ऐसे ही हर लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, अरबी में बोल देते हैं हम लोग काफिर। तो इसीलिए काफिर का भी कोई गलत मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि काफिर तो मतलब बस उसे पकड़ो और मार दो, ऐसा वाला नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मैंने देखा है, सब लोग आपस में मिलके ही रहते हैं, कहीं पे कुछ छोटी मोटी टसल्स होती हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट अदरवाइज देखें तो सब लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ही प्यार से रहते हैं। हो सकता है कोई एक आधा बंदा जिसका बहुत ही गर्म मिजाज है वो कभी लड़ाई कर ले, वो कोई भी रिलीजन का हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसी रिलीजन के बंदों के दिमाग गर्म होते हैं या उसके रिलीजन के दिमाग गर्म होते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। बट मेन मैसेज मेरा यही है कि कोई भी जो रिलीजन है या होली बुक है वो कभी भी कोई गलत मैसेज कन्वे नहीं करती, वो हम लोग खुद होते हैं जिनको या तो वो समझ नहीं आता और हमारे माइंड में डाउट आता है। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम एनी मौलाना, फ्रॉम वट एवर द सोर्स यू फील मोर कन्वीनियंट कि मुझे यहीं से इन्फॉर्मेशन लेना है, यहाँ से मुझे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर योर डाउट्स। और आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।